हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बना रही हूँ पिंडी छोले, जिसके लिए मैंने सबसे पहले पैन में ऑयल हीट अप किया है। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ जीरा, अब मैं इसके अंदर थोड़े से मैंने गार्लिक लिए हैं जो मैं क्रश करके डालूँगी। तो ये मैंने गार्लिक ऐड किया है इसके अंदर, मैं हल्का सा इसे सौते करूँगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी जिंजर, जिंजर मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया है क्रश करके, इसे भी मैं मिला लूंगी। और थोड़ी सी ग्रीन चिली मैं थोड़ी ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, आप हैं तो कम कर सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा हल्का सौते करूँगी ताकि फ्लेवर सारा निकल के बाहर आ जाए, तेल में समा जाए। देखिए, तो ये सौते हो चुका है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज, तो मैंने 2 बड़े बारीक कटे हुए प्याज लिए हैं। अब मैं प्याज को ट्रांसल्यूसेंट होने तक पकाऊँगी। तो हमारे प्याज, जैसा कि आप देख सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी अपने टमाटर, मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं चॉप्ड। आप इसके अलावा ग्रेवी भी ले सकते हैं टमाटर की, प्यूरी फॉर्म में भी ले सकते हैं टमाटर्स को, बट मैं इसे इसी तरह प्रेफर करती हूँ। अब इसे ढककर मैं 5 मिनट के लिए कुक करूँगी इसे। देखिए, तो 5 मिनट बाद ये पूरी तरह से टमाटर गल चुके हैं, मसाला सिक चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी अपने सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, देन मैं ऐड करूँगी इसमें अब नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, और अब मैं इसे सेक लूंगी। जब तक मेरा मसाला भुनेगा, मैं दूसरी तरफ, मेरे छोले हो चुके हैं, उबल चुके हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टमाटर और प्याज बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं और सूखे मसाले भी। अब मैं इसके अंदर ऐड करूंगी थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके। और अब मैं इसके अंदर डालूंगी छोले मसाला, आप बाहर का, MDH का, एवरेस्ट का, कैच का, किसी का भी ले सकते हैं, बट ये मैंने घर पे ही प्रिपेयर किया है छोले मसाला, तो ये मैं ऐड करूँगी। अब मैं इसको, इस मसाले को पकने तक थोड़ा भूनूंगी और फिर मैं इसके अंदर डालूंगी बॉयल्ड चिकपीस, यानी कि बॉयल्ड पिंडी छोले, और उसके अंदर मैंने ऐड किए हैं ग्रीन पीस। तो मसाला पक चुका है हमारा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बॉयल्ड चिकपीस अलॉन्ग विद ग्रीन पीस। तो ये मुझे थोड़े थिक फॉर्म में, क्योंकि आप सभी जानते हैं पंजाबी अमृतसरी पिंडी छोले थोड़े गाढ़े फॉर्म में अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं इसे क्रश कर रही हूँ। काफ़ी अच्छी तरह से क्रश करना होगा ताकि साबुत कुछ भी ना आए और अच्छे से, जिसे कहते हैं ना, एक लुगदी टाइप की छोले मिले, ताकि वो भटूरों के साथ उतना ही अच्छा लगे जैसे हम रेस्टोरेंट्स वगैरह में खाते हैं।
इसलिए मैं काफ़ी अच्छी तरीके से इसे मैश कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे मैश कर लिया है और इसकी ग्रेवी देखिए आप, बिल्कुल रेस्टोरेंट टाइप लग रही है। तो अब मैं इसके अंदर डालूंगी मेरा फाइनल इंग्रेडिएंट यानी कि कोरिएंडर। और ये देखिए ये हमारे छोले बनके बिल्कुल तैयार है। तो मेरे छोले रेडी हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।